तो सूरज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लेता हूँ। तो हाँ, यहाँ से आप लोगों का फर्क दिख गया होगा, अब ज़्यादा बेटर है। तो क्योंकि सूरज हमारे सर पे था तो हमने कहा चलो इधर से ले लेते हैं, वहाँ से हमारी शक्लें भी नहीं दिख रही थी, यहाँ से शक्ल तो दिख रही है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या है कि नंगे पैर तो जैसे चल ही रहे हैं, लेकिन अब हम बाइक की भी कर रहे हैं और हम अंदर से मंदिर से आ चुके हैं। तो हमने कहा कि यार अभी हमारे पास टाइम है, भगवान एक बार लग रहा है फिर से बुला रहे हैं, तो हमने कहा चलो दोबारा चल लेते, कोई बात नहीं। और मंदिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये चीज़ है कि अभी भाई बताते जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो इसकी वजह से क्या भीड़ भड़ाका कम है, काफ़ी कम भीड़ भीड़ हो रखी है। जैसे कह रहे थे कि बहुत भीड़ है, लेकिन भगवान ने इतना साथ दिया। जैसे मैं हर बार भी चाहता हूँ कि जहाँ तक मैं कोशिश यही करता हूँ कि मंदिरों में अकेला मतलब या फिर खाली मिले तो दर्शन एक अच्छे से जो होते हैं वो एक चीज़ अलग है। और वही पे नवन भाई ने भी यही चीज़ बिल्कुल बोली कि भाई दर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें, कोई दर्शन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी हमने इन्जॉय भी किया। हमने यहाँ के बहुत आराम से तेल भी चढ़ा दिया, बहुत आराम से पूजन भी हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम दिनों पर वैसे नहीं हो पाती हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती मैं कहूँगा कि हम ऐसे टाइम पे आए हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को दर्शन हुए, बहुत अच्छे से पूजा भी हुई और सब काम अच्छे से हो गया। और बाइक की भी परिक्रमा हो रही है, बाइक की भी परिक्रमा हो रही है, बाइक की भी हो रही है, मशीन की भी हो रही है, हमारी भी हो रही है। हम दो बार जा रहे हैं एक ही दिन में, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। हम मंदिर के बाहर से दर्शन कर लेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक बंदा एक ही दिन में दो बार जा रहा है, तो मतलब भगवान जो है वो हमें बुला रहे हैं या हमारी श्रद्धा या जो भी चीज़ है यार, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी कोई वो नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे मन में आया, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बोल रहे हैं चलो घर चलो, लेकिन यहाँ पे हम सबके दिमाग में चलो यार एक बार बाइक को भी राइड करवा लेते हैं। और हमारे साथ तो आशीर्वाद है भगवान का, नवन भाई के साथ भी हमेशा हमेशा रहेगा भी, वही है हम में से कोई भी लोगों के साथ रहेगा। और हर सब लोग जो जो यहाँ पे व्यूअर हैं, जितने व्यूअर हैं उन सबके साथ है भाई, सबके साथ है। और आपको बता दूँ नेक्स्ट सैटरडे भी बहुत अच्छा सरप्राइज है, बहुत अच्छी जगह हम लोग गाइड के लिए जा रहे हैं, वो तभी बताएंगे। लेकिन आप ट्यून इन ना हो, सब्सक्राइब जरूर कर दो सारे चैनल्स पे, ताकि आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे, सारे अपडेट मिल जाए। और इंस्टाग्राम आपको हैंडल भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा आपको जहाँ भी आपको लगे। और अगर आपको पसंद नहीं भी आता, हमें ये भी बताओ कि हाँ भाई ये रीज़न पसंद नहीं आ रहा, उससे क्या, क्योंकि देखो हम सारे अभी बिगनर हैं, ठीक है। जैसे मैं और नवन भाई तो हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अच्छा हमें एक साल डेढ़ साल हो गया तो हमें कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे और जो साथी है, हम ये भी नहीं कह रहे कि हम भाई बहुत आगे आ गए, बहुत महान बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें ये है कि थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाए, तो हम भी तुम लोगों का आशीर्वाद रहा। जो हमारे छोटे दोस्त हैं या जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो भाई के नवन भाई के भी जो दोस्त हैं, अगर वो भी सारे हैं, बस दुआ करते रहो। और एक ही और मैं बोल रहा हूँ, हर बार हम बोलते हैं कि राइड में अगर आपको ज्वाइन होना है आ जाओ, कोई वो नहीं है, कुछ ऐसा वैसा नहीं है, कोई इशू कोई कुछ नहीं, ठीक है। और बाकी देख लो कितने प्यार से बाइक राइड को इंजॉय कर रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। और हेलमेट के लिए मैं सॉरी कहूँगा, क्योंकि हाईवे नहीं है, हाईवे नहीं है, छोटा सा रास्ता है, इसलिए हम लोग बिना हेलमेट के आगे बहुत हल्के चला रहे हैं 10-20 स्पीड से, इसलिए हम लोग बिना हेलमेट आए हैं। और प्लस दूसरी बात ये है कि देखो हमारा जो है, हाँ बाकी हम सारी चीज़ों का ध्यान भी रख रहे हैं, जितने हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो सब लेके चल रहे हैं। मास्क हम लोगों ने पहन रखा है, हमने भी पहना है, भाई ने भी पहना है। और हो सके तो अपने आप को यार ध्यान रखो, सेफ रखो, ठीक है। और भगवान का आशीर्वाद रखो हमारे साथ साथ, तुम्हें भी मिली रहे दर्शन। एक बार अगर भगवान ने चाहा तो एक बार ही, और अगर हमारे उन भाई जो वहाँ के पंडित जी है, अगर उनसे एक बार बात हो गई अच्छे तरीके से, वो कहते हैं मैं पूरे इतिहास के बारे में बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, टाइम आएगा आपको वहाँ भी पता चले। भगवान ने चाहा दोबारा आए, दोबारा उनको बात होगी करेंगे, ठीक है। इस बात की मैं आपको रियलिटी बोला, कमिटमेंट मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। और हमारी तरफ से सब लोगों की कोशिश यही है, आपको जेन्यून से जेन्यून कंटेंट दे, कुछ भी ऐसा स्क्रिप्टेड या जो चीज़ आजकल हो रही है यूट्यूब पर जो गंद मचा रखा है लोगों ने, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा भाई, तुम सब समझदार हो, सब समझ जाओगे, लेकिन यही कहूँगा कि जो जेन्यून से जेन्यून कंटेंट है वो हमारी कोशिश है आप तक देखते हो, जिसके भी तुम फैन हो, सबके अपने अपनी पसंद होती है, करो सब्सक्राइब, कोई वो नहीं है, ठीक है। और काफ़ी यार हमें रियलिटी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और बाइक राइड में भी मज़ा आ रहा है, हमने मोटो ब्लॉग भी किया, सब किया। पर अब तुम्हें जाते टाइम का भी हम ब्लॉग करते हुए दिखाते हुए ही जाएंगे, थोड़ा सा रुक के जाएंगे, क्योंकि सबके पास अभी टाइम है, कहीं खाना वाना कुछ खाने के लिए तो ज़रूर रुकेंगे, खाना पीना सब होगा, आराम से आप लोग को सारी चीज़ें मिलती रहेगी। और ये अब तुम लोग को कंटिन्यू में करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, और भाई मज़ा बहुत आया, बट थोड़ा सा हालत भी टाइट हो गई, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत गर्म है, ठीक है। और मैंने अभी हाल फिलहाल में ग्लव्स निकाल दी, क्योंकि गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमारे नवन भाई भी काफ़ी ज़्यादा यार सारे थक गए, तो अभी हम लोग आराम से चलेंगे, ठीक है। और अभी थोड़ा हवा का भी हम वो देंगे, थोड़ा सा फील करेंगे अपने आपको हवा से,
और अभी के टाइम पे बिल्कुल मन है कि यार बिल्कुल ठंडा सा पानी पीनेगा, लेकिन ये है अभी तो ऐसा हालत हो रही है गियर भी नहीं लग रहे। नमन भाई से पूछते हैं, नमन भाई गियर लग रहे हैं? भाई तेरा मतलब पैरों के नीचे ऐसी छाले हुए ना बिल्कुल, जैसे जैसे तुम लोगों को पता, मैं थोड़ा सा मेरी आदत है मैं स्पोर्ट्स बाइक की तरह थोड़ा लगाता हूँ गियर, तो उसमें थोड़ा ऐसा होता है नॉर्मल अगर मैं पीछे से मारूँ तो वो भी लग जाता है, बट खैर अब उसकी आदत रही नहीं तो थोड़ा सा हो रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भगवान सब सही कर देंगे। और अब यहाँ से निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छी राइड है। और भाई अभी बाकी अपनी जोश से आ गया, आराम से चलो। ठीक है अब निकल रहे हैं, काफ़ी मस्त अपनी राइड हुई, काफ़ी मज़ा आया। और मतलब थोड़ा सा ऐसे थके मतलब ये है कि भूख भी मार लो, और हम लोगों ने सुबह खाया था 8 बजे के आसपास, उसके बाद हम सबसे ब्लॉग ही कर रहे हैं और छोटा हमने हल्का ही खाना खाया था, क्योंकि क्या होता है थोड़ा सा सर में या थोड़ा सा ऐसे थकावट सी होती है और राइड हमारी लंबी है तो फिर उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी हम निकलते हैं यार, और चंडीदेव जी के दर्शन होते हुए गए, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। हमने जो राइड वाइड जो भी करी काफ़ी हमें अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा हमें मंदिर के अंदर लगा। मतलब बहुत टाइम से वैसे जैसे चंडीदेव स्कूल का मैं भी करता हूँ, तो मतलब मैं भी काफ़ी टाइम से जा रहा, इस बार क्या पता भगवान ने बोला कि तुम मेरे बड़े वाले मेन मंदिर में आ जा, तो हम वहीं आ गए इस बार। बाकी काफ़ी अच्छा हमें फील भी, और अभी भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब ये नहीं है कि ना कोई पेन या फील ऐसा कुछ नहीं। अभी हम यहाँ से पूरा निकलते हुए चलेंगे और सामने यहाँ पे ढाबे से बैठेंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे पियेंगे देखते। और यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको आराम करते हैं। और यार अभी हम लोग यहाँ पे आए थे कुछ खाने पीने के लिए, और बाकी आपने सोचा है कि भाई के सभी लोगों के बारे में बता दो, क्योंकि इससे पहले हमने जो बनाया था वो एक अलग वीडियो थी और ये एक अलग वीडियो में मिलेगी। तो यहाँ से अभी हमारे नमन भाई आ गए हैं, तो चलो अब हम उनसे बात करते हैं। और यहाँ पर भाई भी अपने सेटअप लेके बिल्कुल तैयार से ही है, और यहाँ पर थोड़ा इधर भाई आई थिंक इधर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब थोड़े दिख रहे हैं क्योंकि वैसे ही काले हैं, और ऊपर से भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और मतलब ये है कि यार ब्लॉगिंग लाइन में घुसे तो तुम लोगों को पता है कि काम तो करना पड़ेगा और तुम लोगों को घर दिखाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो दर्शन हो गए तो बहुत अच्छे, फिर भाई बहुत ज़्यादा तेज प्यास लग रही थी सभी को, तो रुक गए ढाबे पे हमने कहा भाई और यहाँ 2 लीटर की दो खत्म कर दो खत्म कर दी मजाक पता भी नहीं चला बैठे बैठे दो लीटर मुझे लगा था थोड़ी देर पे ढाबे वाला बोलेगा भाई अब यहाँ पे जो बिजली का बिल फूक है उसका दो सबका बिल दो। तो यहाँ पे हमारे भाई का चैनल है, तो भाई चैनल के बारे में भी कुछ बताओ। तो भाई मेरा चैनल मेनली रिव्यूज़ के ऊपर है, तो मैं हर तरह के रिव्यूज़ डालता हूँ, कहीं जाता हूँ ट्रैवल रिव्यूज़ और मेन वेब सीरीज़ वगैरह के भी रिव्यूज़ आपको मिलते हैं मेरे चैनल पे देखने के लिए। और सारा चीज़ों में जो कंटेंट है वो आपको इतना भी कुछ देर ही मिलेगा और कुछ भी मॉडिफाइड नहीं। उसमें क्या है जो भी आपको कंटेंट मिलेगा भाई के चैनल में मतलब ओरिजिनल होगा, कोई इधर ये हाथ से एडिट करा वो करा, डायरेक्ट आपको मिलेगा, कोई पेड रिव्यूज़ नहीं, कोई पेड नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको जो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसमें मिल जाएगा आपको चैनल का नाम। इस टाइम भी मैं थोड़ा सा थका हुआ भी हो रहा हूँ, तो थोड़ा सा यार जज मत करना, बस करते रहना एंजॉय। और बाकी यहाँ से हम भाई के को करते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं अपने दूसरे भाई से, ठीक है? चलो अब यहाँ से हम करते हैं देसी ब्लॉगर, तो इनके पास आते हैं। हाँ भाई, तो चलो पहले आरव भाई का बताते हैं। आरव भाई बताओ कैसा रहा सीन, क्या हुआ? हेलो भाई शनिदेव महाराज जी से अभी निकले हैं जस्ट, और सामने ही बैठे हैं कुछ अपने भाई मित्रगण आ गए थे, कुछ हमारे बड़े भाई हैं, तो बैठे हैं, कुछ बातचीत चल रही है। और कौन सा होटल का नाम है? शनिदेव, शनिदेव होटल, शनिदेव नाम से ही ये होटल है। और थोड़ा बहुत चाय पानी बड़ी अच्छी है, और हमारे अंकल जी है पीछे, बहुत बढ़िया चिल्ड पेप्सी दिया है, चिल्ड पानी दिया है, बहुत ही गजब है। और आइए अब आपको मिलवाते हैं भाई से, तो भाई अपने बारे में कुछ बताइए। थोड़ा तेज आपका नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम विनोद है और मैं यहीं से शनिदेव मंदिर के पास ही मेरा घर है, और ये मेरे भैया के फ्रेंड है, मैं इनके साथ अभी ऑल इंडिया कर दिया हूँ। ओके, आपका भाई? मेरा नाम भाई थोड़ा सा तेज बोलो क्योंकि माइक। मेरा नाम
गोया का माइक लगा था, क्या नहीं कर पाया फ्रेंड आई थी, इसकी वजह से मैं आया एंजॉय कर। तो भाई बैठे हैं, बातचीत चल रही है भाई, फुल मस्ती चल रही है। बाकी इधर अपने बड़े भाई बैठे हैं, तो भाई से बात कराते हैं। लग रहा है भाई, भाई का रिव्यू था, हमारा तो था नहीं। चलो कोई बात नहीं, दोनों जो थे।